भारत के मिशन मून 2 के प्रोजेक्ट में 30% महिलाओं की हिस्सेदारी है। ये भारत का पहला आउटर स्पेस मिशन है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। ये वो वक्त जब लॉन्च हुआ चंद्रयान 2। समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दो S-200 रॉकेट प्लस 5 सेकंड दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उसने चंद्रयान 2 भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है जिसकी कमान महिला वैज्ञानिकों के हाथ में है। इसरो के चेयरमैन के शिवम ने बताया कि चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट में 30% संख्या महिलाओं की है। चंद्रयान 2 को 15 जुलाई को लॉन्च होना था लेकिन तकनीकी खराबी के चलते इसे आखिर वक्त में 22 जुलाई तक टालना पड़ा। इस प्रोजेक्ट में शामिल एम वनीता और ऋतु खरीदाल पिछले 20 साल से इसरो के साथ काम कर रही हैं। एम वनीता इसरो की पहली महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। एम वनीता डेटा हैंडलिंग में विशेषज्ञ है। एम वनीता का नाम नेचर पत्रिका में इस साल के लिए टॉप 10 वैज्ञानिक में शामिल किया गया था। दूसरी महिला वैज्ञानिक ऋतु खरीदाल ने कई मिशन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसमें मंगलयान भी शामिल है। टेकटॉक इंडिया में ऋतु ने बताया कि मिशन मंगलयान को पूरा करने के लिए सिर्फ 18 महीने की समय सीमा सबसे बड़ी चुनौती थी। कम वक्त में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरों के साथ सलाह की और 10 महीने में सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया। ऋतु खरीदाल को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं जैसे यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2007 में, इसरो टीम अवार्ड फॉर MOM 2015 में और विमेन अचीवर इन एरोस्पेस 2017 में। एरिका ब्राक्टा, गो न्यूज़।